नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद की ओर से प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सदियों से उपयोग कर स्थायी तौर से रोगों का निदान किया जाता रहा है। घरों की रसोई में आज भी रोगों का उपचार करने का खजाना मौजूद है, परंतु हमें रसोई में मौजूद खजाने की सही ढंग से जानकारी नहीं है। तो आइए आपको बताएं कि रसोई में उपलब्ध खजाने का कैसे सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है। कहाँ निकलता है सेंधा नमक? भारतीय उपमहाद्वीप में सेंधा नमक सिंध, पश्चिमी पंजाब की सिंधु नदी के साथ लगे हुए हिस्सों और कोहाट जिले से आया करता था, जो मौजूदा समय में पाकिस्तान में है। सेंधा नमक और सैंधव नमक का मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया नमक। इस इलाके में प्रसिद्ध खेवड़ा नमक खान है। सेंधा नमक, सैंधव नमक, लाहौरी नमक या हैलाइट का क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में मिलने वाला खनिज पदार्थ है। यह अक्सर रंगहीन या सफ़ेद होता है, जबकि कई पदार्थों की मौजूदगी से इसका रंग हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरा भी हो सकता है। वहाँ पर नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ से यह नमक मोटे मोटे टुकड़ों में आता है। विश्व की सबसे बड़ी खेवड़ा नमक की खान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जेलम जिले में इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेवड़ा नमक खान एक प्रसिद्ध खान है, जहां सदियों से सेंधा नमक खोदकर निकाला जा रहा है। यह नमक कोह की निचली पहाड़ियों में स्थित है। इसमें सेंधा नमक का बहुत ही बड़ा भंडार है। यहां पर 22 करोड़ टन के भंडारण का अनुमान है। हर साल इसमें से 4.65 लाख टन नमक निकाला जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की खान मानी जाती है। इस खान में पहाड़ के भीतर सुरंग खोदकर नमक निकाला जाता है। सुरंग बनाकर केवल 50% नमक ही निकाला जाता है। सुरंगों में नमक निकालने के कारण यहाँ बहुत से कमरे बन चुके हैं, जो इमारत का रूप धारण कर चुके हैं। इस इमारत में 19 मंजिलें बन गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें ज़मीन के नीचे बन चुकी हैं। सुरंगें पहाड़ के भीतर 2400 फीट तक पहुँच चुकी हैं। खेवड़ा खान का रोमांचक इतिहास। खेवड़ा खान के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर ने हिंदुस्तान पर धावा बोला था, तो खेवड़ा के इलाके में भी उसकी फौजें आई थी। वहां पर उनके घोड़े पत्थरों को चाट रहे थे। गौर से देखने पर पता चला कि इन पूरे पहाड़ों में नमक था, तभी से यहां से नमक निकाला जा रहा है। मुगल जमाने में उत्तर भारत में नमक राजस्थान की सांभर झील से आता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खेवड़ा खान से निकालकर देश में बेचा जाता था। कुछ शिल्पकार इस पथरीले नमक की तश्तरियाँ और दीपक बनाकर बेचने का काम भी करते रहे हैं। समुद्री नमक, सेंधा नमक के उपयोग के लाभ। मौजूदा समय में घरों में समुद्री नमक का प्रयोग अधिक हो रहा है, जबकि इस नमक के गुण भी कम हैं। वहीं दूसरी तरफ गुणकारी सेंधा नमक का उपयोग कम किया जा रहा है, जबकि इस नमक के सेवन के लाभ अधिक हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करने से 97 और समुद्री नमक का प्रयोग कर केवल 4 पोषक तत्वों की कमी को ही पूरा किया जा सकता है। सेंधा नमक के सेवन से होता है कई रोगों का निदान। सेंधा नमक को शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस नमक के सेवन से लकवा रोग से बचाव होता है। पिसा हुआ नमक हृदय के लिए उत्तम और पाचन में मदद करता है। रक्तचाप पर नियंत्रित करता है। रक्तचाप पर नियंत्रित होने से शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद में वर्णित है कि सेंधा नमक सेवन से वात, पित्त और कफ से बचा जा सकता है। यह पाचन में सहायक होता है। गौर हो कि आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दुनिया के 56 देशों में आयोडीन नमक बिक्री पर है पाबंदी। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर 40 साल पहले ही पाबंदी लगा दी थी।
जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क में 1956 में आयोडीन युक्त नमक को बैन कर दिया गया था। भारत में भी 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक का सेवन नहीं करता था। सेंधा नमक की खान पर्यटकों के लिए है आकर्षण का केंद्र। खेवड़े की नमक खान सैलानियों के लिए लंबे समय से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 300 नमक की सीढ़ियां बनी खान में 50 फीट ऊंचा सभा कक्ष, 50 साल की मेहनत के बाद बनाई गई 3000 वर्ग फीट की मस्जिद, खान के भीतर जमीन के नीचे एक खारे पानी के तालाब के ऊपर बना 25 फीट लंबा नमक का पुल, चीन की विशाल दीवार का एक मॉडल, लाहौर की मीनारे पाकिस्तान का एक मॉडल, नमक खान में लंबे समय से पर्यटकों के लिए आकर्षण बनी हुई है। सो दोस्तों, यह थी सेंधा नमक की खान से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।